नमस्कार, मेरा नाम है अभय कुमार भारती फ्रॉम नॉलेज कॉलेज। हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, होली एक बहुत बड़ा त्यौहार है, उसे हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, दोस्तों के साथ मिलते हैं, रंग खेलते हैं और बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। होली का दिन बहुत ही यादगार दिन होता है, जिसे हम लोग एक एक लम्हा याद रखना चाहते हैं और एक एक लम्हा याद रखने के लिए आपको फोटोग्राफी करना पड़ेगा। उस दिन हमारे चारों तरफ रंगों का पाउडर, बटरफ्लाई मतलब पानी के छिटके, तो उस छिटके में हम लोग भीग सकते हैं। बट अपने कैमरों को कैसे बचाएंगे, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने कैमरों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसके फोटोग्राफी का कुछ टिप्स बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट टिप्स, पहले तो आपको अपना कैमरा को पूरे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर लेना पड़ेगा। प्रोटेक्ट कैसे कर पाएंगे, आपको फिल्टर, पहले फिल्टर यूज़ कीजिए। फिल्टर से आपका लेंस का जो ग्लास है वो प्रोटेक्ट हो गया। फिर सेकेंड है स्क्रैच गार्ड। स्क्रैच गार्ड एंड्स है जहाँ आपका कैमरा से लेंस अटैच होता है, अंदर में सेंसर है। सेंसर सबसे बड़ा मेन फैक्टर है। अगर थोड़ा सा भी पाउडर, रंग का पाउडर अगर सेंसर या वाटरफ्लाई मतलब पानी का छिटका अगर सेंसर में चला जाता है, तो ये कैमरा के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। तो उसके लिए आपको ओपन एंड्स में आपको सील करना पड़ेगा। आप इस जगह पर सील कर सकते हैं जहाँ कैमरा से लेंस अटैच होता है, बैटरी कंपार्टमेंट है, एक स्पीकर का ऑप्शन दिया हुआ है। आप बटन्स में आप जहाँ जैसे पोर्ट है, जहाँ आपका HDMI पोर्ट है और रिमोट का पोर्ट है, आप उस जगह टेप यूज़ कर सकते हैं। तो इस जगह से टेप यूज़ करके आप उसको अच्छी तरह से आप सील करना पड़ेगा। आप डक टेप यूज़ कर सकते हैं, ये ओपन एंड्स को अच्छी तरह से सील कर देता है। यूज़ करने के बाद जब आप इसको रिमूव करते हैं तो इसमें रेसिड्यू बहुत कम होता है, जो अच्छी तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। आपको रेन कवर या वाटरप्रूफ कैमरा पाउच खरीदना पड़ेगा, जिसमें आप अपने कैमरा को इंसर्ट करके बेफिक्र आप कैमरा को यूज कर सकते हैं और उसमें आपको डर नहीं होगा रंग का पाउडर का या वाटर मतलब पानी के छिटके का मतलब वाटरफ्लाई का। तो बेफिक्र उसको आप यूज कर सकते हैं। बस जब आप उसको इंसर्ट करते हैं, काइंडली चेक कर लीजिएगा जीप को कि वो अच्छी तरह से टाइट हुआ है और बस आपको वही चेक करना है। अगर आपके पास रेन कवर या वाटरप्रूफ कैमरा पाउच नहीं होता है तो आप जिपलॉक बैग को यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपको मिल जाएगा। और उसके साथ आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो ओपन एंड्स को वो अच्छी तरह टेप से उसको सील कर लेना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया हूँ कि वो डक्ट टेप जो है उसको आप यूज कर सकते हैं वो ओपन सील को, ओपन एंड्स को सील करने के लिए। बार बार आप अपने लेंस को मत चेंज कीजिएगा, क्योंकि लेंस चेंज करने से क्या होता है, ये भी हो सकता है कि आपका जो रंग का पाउडर सेंसर में चला जाए। अगर एक बार सेंसर में चला गया तो वो बहुत ही इफेक्ट कर सकता है आपका कैमरा को। तो बेटर है आप एक ही लेंस को यूज करें और लेंस को ना चेंज करें। आप अपने बैटरी को फुल चार्ज कर लीजिएगा और हाई स्टोरेज वाला मेमोरी कार्ड यूज कीजिएगा, जिसमें आप नंबर ऑफ शॉट ज्यादा ले सकें, क्योंकि ऐसा सिचुएशन मत क्रिएट कीजिए जिसमें आपका बैटरी और मेमोरी कार्ड का कंपार्टमेंट खुलना पड़े। आप जिस मोड में कंफर्टेबल है उसी मोड में आप फोटो क्लिक कीजिएगा, मतलब जिस सेटिंग से आप पूरा यूज टू है वही सेटिंग्स में आप अपने मोड को रखिए और आप क्लिक कीजिए। सपोज प्रोग्राम मोड में है तो प्रोग्राम मोड में आपको मेनली आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ISO सेट कर दीजिए और अपने एक्सपोजर को फिक्स कर दीजिए, क्या एक्सपोजर में लेंगे आप क्लिक कर लीजिए। फिर अगर शटर स्पीड में रख सकते हैं तो शटर ज़्यादा रखें, मूविंग सब्जेक्ट मोमेंट का शॉट या कोई भी स्टिल का, कोई भी मूविंग वाला सब्जेक्ट को स्टिल करना है तो आप शटर स्पीड ज़्यादा करके रख सकते हैं, क्योंकि अपर्चर ऑटोमेटिक ले लेगा, ISO आप अपने ऊपर डिपेंड करता है। या अपर्चर मोड में रख सकते हैं अगर आप अगर पोर्ट्रेट शॉट लेना चाहें, या आप मैनुअल अगर आप चाहते हैं मैनुअल, तो ये आप अपना जिसमें आप कंफर्टेबल है वही मोड में रखिए
और बार बार चेंज मत कीजिए मोड्स को भी, क्योंकि एक बार आप चेंज करेंगे हो सकता है चेंज करेंगे तो वो रंग का पार्टिकल्स उसमें चला जाए, तो आपको बहुत सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कैमरा यूज कर रहे हो वो बहुत दाम का यूज बहुत दाम का है और आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कैमरा क्या क्या सेटिंग्स होगा मैं कुछ जस्ट आपको एक टिप्स दे देता हूँ। जैसे कोई भी मूविंग सब्जेक्ट, कोई भी मूविंग सब्जेक्ट का अगर फोटोग्राफी करते हैं तो आपको शटर स्पीड थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, या ये भी हो सकता है जैसे कोई रंग को, जैसे कभी रंग का पाउडर को ऐसे फेंक रहा है तो फ्लाइंग आप पाउडर को क्लिक करना चाहते हैं तो शटर स्पीड को थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन द मोशन कि शटर स्पीड कितना रखना है। आप वैसे आप शटर स्पीड 1/250 के ऊपर ही रखिए, क्योंकि आपको अगर जो मूविंग सब्जेक्ट उसको एकदम स्टिल में कन्वर्ट करना है तो आपको शटर स्पीड को थोड़ा हाई रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो अंदर के सेटिंग्स हैं हाई स्पीड कंटिन्यूस में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक एक मूवमेंट का शॉट ले सकते हैं। हो सकता है कि जो आप क्लिक करने जा रहे हैं पहला शॉट में वो मिस हो गया तो दूसरा शॉट में तो वो आ भी सकता है, तो आप हाई स्पीड कंटिन्यूस शॉट में रखिए। फिर ऑटो फोकस आप AI सर्वो में रखिए, AI फोकस में रखिए, या निकोन में वही हम बोलते हैं ऑटो फोकस एरिया ऑटो फोकस कंटिन्यूस, तो ये ऑप्शन में आप रख सकते हैं। सब अलग अलग कैमरा के सभी का पास ऑप्शन है बट अलग अलग नाम सबका दिया हुआ है। फिर आप ISO, आप जैसे डे लाइट में शूट करते हैं ISO जितना मिनिमाइज कर सकते हैं वही आपके लिए फोटो का क्वालिटी बहुत अच्छा देगा, जितना कम रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। 100 to 400 के बीच में रखिए, या अगर इवनिंग का शॉट लेते हैं तो ये डिपेंड्स करता है कि क्या लाइट सिचुएशन है, तो वो इसी हिसाब से आप ISO को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ISO को कोशिश कीजिएगा जितना कम से कम रख सकते हैं। अगर आप किसी कैंडिड शॉट लेना चाहते हैं, किसी का पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं तो आप उसको अपर्चर F नंबर आप कम करके ले सकते हैं, या आपको ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा जिसमें आपका F नंबर कम हो, तो ये सब कुछ सेटिंग्स आपको अपने कैमरा में करना पड़ेगा अच्छा फोटोग्राफी करने के लिए। उस सिचुएशन के हिसाब से आपको पूरा रेडी आपको प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि उस समय आपको हो सकता है आपको समय ना मिले। फोटोग्राफी सब्जेक्ट होली में बहुत ही सब्जेक्ट है, बहुत ही फोटोग्राफी सब्जेक्ट आपको मिलेगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल के तौर से आपको बोल सकते हैं, जैसे आप कैंडिड पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकते हैं, कैंडिड पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकते हैं। क्राउडेड प्लेसेस में आप सब रंग पाउडर ऐसे उड़ा रहा है या किसी ऐसे उड़ा रहा है, उस सिचुएशन को आप क्लिक कर सकते हैं। आप बच्चे लोग पिचकारी से खेल रहे हैं वो सिचुएशन आप क्लिक कर सकते हैं, कोई बच्चा अपना पेरेंट्स को प्रणाम कर रहा है उस सिचुएशन को क्लिक कर सकते हैं, शॉपकीपर रन बेच रहा है उस सिचुएशन को क्लिक कर सकते हैं। इमोशन, आपको इमोशन सबसे बड़ा चीज है, इमोशन क्लिक करना है, ये सब्जेक्ट आपका, आप जितने सब्जेक्ट का इमोशन क्लिक कर पाएंगे वही आपका सबसे बड़ा सब्जेक्ट होगा, तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। फोटोग्राफी हो जाने के बाद आपके दिमाग में एक ही सवाल रहेगा कि कैसे क्लीन किया जाए कैमरा, तो बहुत ही आसान है। आइए आराम से घर में बैठिए, आप अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको अच्छी तरह से रिमूव कीजिए, जैसे आपका रेन कवर हुआ, वाटरप्रूफ कैमरा पाउच हुआ, फिल्टर हुआ, उसके बाद ब्लोअर से ब्रश से उसको अच्छी तरह से क्लीन कीजिए, और Kindly, आप लेंस को डिटैच फिलहाल के लिए मत कीजिएगा, उस समय तक अच्छी तरह से क्लीन करके उसके बाद पूरा अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है तब आप उसको डिटैच करके आप यूज कर सकते हैं। अगर आपसे क्लीन नहीं हो पाता, सपोज कोई डस्ट या पाउडर रंग का पाउडर चला गया है या कोई पानी का छिटका चला गया सेंसर में, तो काइंडली इसको सर्विस सेंटर में ही लेके जाइए, आप अपने से क्लीन मत कीजिए, सर्विस सेंटर दे आर एक्सपर्ट, वो क्लीन अच्छी तरह से कर देगा। ये टोटल 10 टिप्स जो फोटोग्राफी का हमने दिया, जैसे कैसे आप होली में आप अपने कैमरा को यूज कर सकते हैं, कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं,
कैसे कैमरे को बचा सकते हैं, कैसे क्या आपको फोटोग्राफी करना चाहिए, क्या सेटिंग्स में करना चाहिए, तो ये जस्ट हम आपको एक टिप्स दिए हैं और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी होली और सेव है होली।